हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हेयर केयर रूटीन, जो कि मैं पर्सनली भी फॉलो कर रही हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो आज आ गई है। सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे और जो डीएम्स हैं वो यही आते हैं कि हेयर केयर के बारे में आप वीडियो बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर वीडियो आ गई है, आप अपनी वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेप है आपका हेयर केयर का वो होता है ऑयलिंग, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपने ऑयलिंग जो है वो मस्ट करनी है। अगर आप ऑयलिंग ही नहीं करते बालों में तो फिर आपकी हेयर केयर है वो जो कबाड़ा हो जाना उसका आपके बालों का, फिर आपकी हेयर केयर रूटीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑयलिंग आपने भर भर के करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो भी करो, नहीं पसंद तो भी करो, ठीक है। यहाँ पर मैं एफ के ऑर्गेनिक्स का हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैं लगा दूँगी साइड में, आप यहाँ से जाके ऑर्डर करो इनको और मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अपनी डिटेल्स के साथ। अच्छा जी, फर्स्ट ये कि बॉटल बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, इसकी प्राइस भी जो है वो मुनासिब है। 500 पर बॉटल प्राइस है, ठीक है, 500 जो है वो फिक्स प्राइस है। अच्छा जी, तो बॉटल की बात कर ली हमने, अब इसकी फ्रेगनेंस की बात करते हैं। फ्रेगनेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, लगता ही नहीं है कि किसी तेल की स्मेल है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और तीसरी बात ये कि इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो कमाल के बेनिफिट्स हैं। अगर आपके बाल डाई और रिबॉन्डिंग करा के या ट्रीटमेंट्स करा के बहुत रफ़ हो गए ना, तो आपने ये जो वाला ऑयल है यूज़ करना है। आपके बालों में इतने शाइन प्रोड्यूस करेगा, इतने सॉफ्ट कर देगा आपके बाल। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत तेज़ी से बाल जो है वो ग्रो करता है। मतलब अगर आपके साइड से बाल उड़ गए हैं, मतलब आगे से माथे पर किसी को प्रॉब्लम होता है ना, तो ये मेरे साथ भी था, मेरे साथ हो गया था ये प्रॉब्लम, लेकिन अब मैंने इसको यूज़ किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया ये मसला। अभी इसकी जो कैप है वो इस तरह से है, और इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत लाइट वेट है, ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई बहुत गाढ़ा गाढ़ा अजीब सा ऑयल लगाया हुआ। इसकी स्मेल भी, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें साइड पे ना बॉटल के बैक पे मेंशन है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये मेरा ही ब्रांड है जो मैंने लॉन्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली मैंने इसको लॉन्च कर लिया है। तो हेयर ऑयलिंग आपने ज़रूर करनी है, ये वाला हेयर ऑयल बाय कर लो, आपकी मर्ज़ी है, लड़के और लड़कियां दोनों इसको यूज़ कर सकती हैं। दूसरा स्टेप जो है वो हमारा हेयर मास्क है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हेयर मास्क आपने किस तरह अप्लाई करना है बालों में ना, किस तरह हम लगाएं, मतलब। तो देखो, आपको इस तरह लगाना है कि आपने जब नहा ऑयलिंग की, फिर आपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपकी मर्ज़ी है आप कंडिशनर करो या फिर आप डायरेक्ट ये वाला वो काली का हेयर मास्क लगा लो। ये वाला मास्क आपको इस तरह लगाना है कि आपने 40 मिनट्स के लिए अपने पूरे बालों में अच्छी तरह लगा लिया, स्कैल्प को छोड़ देना, ठीक है, रूट्स पे नहीं लगाना, पूरे टिप्स तक आपने लगा लिया है, ठीक है, मास्क। और उसके बाद आपने 40 मिनट्स तक वेट करना है और फिर उसको ना नॉर्मल पानी से आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। इसके भी प्राइस जो है वो 500 समथिंग है, मैंने इतने में ही इसको परचेज किया था, ठीक है। इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़बरदस्त है, बॉटल ओपन करने के आपको जो एकदम से खुशबू आएगी ना, और इसको यूज़ करने के बाद आपके बालों में भी बहुत ज़बरदस्ती स्मेल आती है, ठीक है। इसके बैक पे सारी चीज़ें मेंशन है कि आपको किस तरह यूज़ करना है, डायरेक्शंस इन्होंने सारी दी हुई हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें मेंशन है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कवर, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। खोलते ही आपको एक तो बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी, और फिर इसके बाद इसके ऊपर एक कवर लिड है जिससे इसको कवर किया हुआ है। उसके बाद ये देखें, इतना सा सिर्फ ये मास्क रह गया है, मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ किया है, बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसके बाद जब आप अपने बालों को स्ट्रेट या कोई भी स्टाइलिंग करोगे ना, तो आपके बाल इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। देखें, ये इसका टेक्सचर है, और इस तरह से आपको मैंने इसका यूसेज भी बता दिया और किस तरह इसको यूज़ करना है। और आपने मंथ में ना मास्क जो है वो 3 से 4 बार यूज़ करना है, लेकिन आपने ऑयलिंग हर हफ्ते 2 बार करनी है, लाजमी 2 से 3 बार। ये जो ऑयल मैंने आपको पीछे बताया है उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे रिव्यू हैं, तो आप जल्दी से जाके इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। डीएम कर दो अपनी सारी चीज़ें और एड्रेस वगैरह, तो आप
ये वाला ऑयल जो है वो बाय कर सकते हो। बाकी ये वाला जो मास्क है तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या कॉस्मेटिक शॉप से ईजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है, अच्छा मास्क आप ना, अगर आपको ये वाले जो मास्क हैं रेडीमेड मास्क ये आपको नहीं पसंद तो आप DIY मास्क भी बना सकते हो। मैं उस पर ना एक वीडियो बनाऊँगी हेयर मास्क पे, ठीक है, कि आप कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए और किसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है शैम्पू। काफ़ी लड़कियाँ ना मुझसे बोलती हैं कि ऐसा कोई शैम्पू बता दें जिससे हेयर फॉल ना हो, ऐसा कोई शैम्पू बता दें जिससे डैमेज जो बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाए। अच्छा, हेयर फॉल तो कोई भी शैम्पू कंट्रोल नहीं करता, ये सच बात है। ठीक है, कोई ऐसा शैम्पू है ही नहीं जो आपके हेयर फॉल को कम कर दे। सिर्फ ऑयलिंग से आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, एक हद तक आप रोक सकते हो ठीक उसे। ठीक है, बाकी हेयर फॉल की जो बाकी वजूहत होती हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, टेंशन वगैरह ना लो। अच्छा जी, इस स्टेप की तरफ चलते हैं। एरो ट्रेस्मे का केराटिन स्मूथ शैम्पू है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके जो प्राइस है वो 699 समथिंग है, यानी 700 की आपको ये बॉटल मिलेगी, लेकिन ये आपके 2 महीने तो आराम से चली जाएगी। अच्छा, आपने इसको नॉर्मल मतलब शैम्पू जो होते हैं उसी की तरह यूज़ करना है, लेकिन शैम्पू यूज़ जब करा करो ना तो उसको ना पानी में डाइल्यूट करके किया करो, डायरेक्ट अपने हाथ में लेके सर पे मत लगाना शुरू हो जाया करो, मतलब हाथ में ही आप थोड़ा पानी मिला के उसको मिक्स करके फिर यूज़ किया करो। इससे ना ज़्यादा केमिकल्स जो होते हैं ना शैम्पू में वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते और डैमेज नहीं होते आपके बाल। ये वाला जो शैम्पू है ना बहुत ज़बरदस्त है, मेरे बाल इतने रफ़ हो गए थे स्ट्रेट कर करके, इतने ख़राब अजीब से हो गए थे, मतलब जूना जैसे नहीं हो जाते बाल, इस तरह के हो गए थे। लेकिन जब से मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट और सिल्की हो गए हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह हेयर ऑयल से मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग भी हो गए। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है कंडीशनर। आपके पास कोई भी कंडीशनर अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट ही बताऊंगी हमेशा की तरह। ये वाला जो ट्रेस्मे का केराटिन स्मूथ स्ट्रेट कंडीशनर है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके पीछे जो है वो आपके सारे इंग्रेडिएंट मेंशन है, इसकी यूज़ आप किस तरह करना है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो सब इस पे मेंशन हुआ हुआ है बॉटल पे। इसकी शायद 300 या 400 प्राइस है समथिंग, क्योंकि मुझे इसके प्राइस याद नहीं है अच्छे से। अच्छा, आपने इसको क्या नाम है शैम्पू के बाद ना अपने नॉर्मल जैसे कंडीशनर अप्लाई करते हो वैसे ही अप्लाई करना है। कंडीशनर अपनाए ना अपने रूट्स पे नहीं करना, सिर्फ आपने जो है अपने लेंथ पे बालों की और टिप्स पे नीचे नीचे अप्लाई करना है कंडीशनर। और कंडीशनर को भी ना 5 से 10 मिनट तक, 5 से 7 मिनट के लिए अप्लाई किया करो बस, उससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है, और फिर उसको नॉर्मल वाटर से जो है वो वॉश कर लिया करो। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अपना आपने ऑयलिंग भी कर ली सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने हेयर मास्क का भी मैंने बता दिया, फिर शैम्पू कर लिया, फिर कंडीशनर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ना जब आप बाहर आओ ना मतलब सर वॉश करके जब आप आओ तो आपके गीले गीले बाल हो तो आप में ना लास्ट स्टेप जो है ना वो आपने गीले गीले बालों में अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाली हेयर केयर रूटीन फॉलो कर लो, बिलीव मी इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आप जो है ना वो ख़ुद ये रूटीन फॉलो करने के बाद ना आके कमेंट करोगे कि बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं और वो वर्क कर रही हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये लॉलैंड का जो है सिरम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिरम जो है वो आप उसी दिन यूज़ करो जिस दिन आपको किसी इवेंट में जाना हो, डेली आपने सिरम यूज़ नहीं करना, ठीक है, ये वाला लॉलैंड का। अच्छा जी, तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो मेंशन है हाउ टू यूज़। ये वाला सिरम इतना ज़बरदस्त है यार, मैंने 600 या 700 का इसको बाय किया था। अच्छा, इसमें एक ऑरेंज भी आता है ऑरेंज बॉटल में, लेकिन ये जो ब्लू वाला है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपने गीले बालों में थोड़ा सा अप्लाई करना है, ठीक है, अपने फिंगर टिप्स पर लेके और ना अच्छे से अपने बालों में लगा लेना है और छोड़ देना है, ऐसे इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो ये दूसरा है ना ये है ड्राई बालों के लिए, जिनके बिल्कुल ही रूखे सूखे बेजान बाल हो जाते हैं ना, बिल्कुल डेड बाल हो जाते हैं, ये उनके लिए है डिसार का सीरम, ठीक है। इसमें ना आर्गन ऑयल भी इंक्लूड है, तो ये आपके बालों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्मूथ करता है, ठीक है। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत स्टिकी है, तो आपने इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, ठीक है। इसके प्राइस भी 300 या 400 थे, इतने में इसको बाय किया था, ठीक है। इसमें जो सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना इस वक्त मैंने बाय की थी। हेयर ऑयल तो मेरी ब्रांड का
ऑफ कोर्स ही बात है, तो वो मुझे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने बाय की थी और यही सारी चीज़ें मैं काफ़ी डेज से जो है वो यूज़ कर रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ड्राई बाल हो गए हैं या फिर जो भी बालों का आपका टेक्स्चर है ना, आप ये वाली चीज़ें यूज़ करो जो जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको आज वीडियो में बताए हैं। और बिलीव मी, ये सारे प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़बरदस्त हैं, हेयर ऑयल भी, हेयर मास्क भी, और ट्रस्ट मी के शैम्पूज भी, लॉलैन का सिरम भी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है और मुझे ना एक महीने बाद ना कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना कि ये आपके बालों पे वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।